हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं जो कल एग्ज़ाम हुआ है हमारा एमपी टेट री एग्ज़ाम जो हुआ है उसके बारे में। और यहाँ पर मैं इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस को थोड़ा फिर से चेक करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आए थे, और थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। यदि आपने एमपी टेट ग्रेड वन का एग्ज़ाम दिया है 29 सितंबर को, तो फिर यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आपको ये भी मालूम चलेगा कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की, कहाँ पर आपने नंबर सिक्योर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था हु रिमार्क्ड अबाउट नीरसी चौधरीज ऑटोबायोग्राफी, है ना, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नो बेटर अकाउंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द इंडियन माइंड बाई द बेस्ट एंड बाई एक्सटेंशन ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द कल्चर बाई अनदर विल बी और नाउ कैन बी रिटन। तो यहाँ पर हमें जो मिले थे ना वो चार ऑप्शन थे हमारे, और यहाँ पर देखना था, हाँ यहाँ पर देखना था, ये मैंने नेट ही बुक में पढ़ा था और मैंने अपना ये सही करके आया हूँ मैं। वीएस नायपालिस का आंसर था, है ना। और यदि आपने क्रिटिकल थ्योरी पढ़ी होती थोड़ी बहुत, यदि पढ़ी होगी तो आई होप आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो था यहाँ पर आइडेंटिफाई द फिगरेटिव लैंग्वेज अपेरेंट इन द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पर जो लाइनें दी गई यहाँ पर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है क्या है। एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू वॉन्ड्रस कोल्ड एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग वाई एंड ग्रीन एज एमराल्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है ना वो लास्ट में ये जो ये आप देखें एज ग्रीन एज, तो इसी से आपको अनुमान लगा लेना चाहिए था कि इन लाइनों में हमारा सिमिली है। ओके, यानी यहाँ पर क्या है हमारा सिमिली है। काफ़ी सिंपल था, बहुत आसानी से समझ में आ गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आई रेजल डेलिकेट वांडरर ड्रिंकर ऑफ हॉरिजन्स फ्लूसिड लाइन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन थे हमारे क्या थे, पहला इफेक्ट सिमिली, सिमिली सिंबल एंड मेटाफर। तो इस सिमिली तो यहाँ पर था नहीं बिल्कुल भी, तो इसका करेक्ट आंसर शायद मैं भी मेटाफर ही लगा के आया हूँ, फिर भी जब हमारी आंसर सी आएगी तब हम उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट ये जो पोइम है काफ़ी सिंपल पोइम थी। चलिए तो ये जो पोइम है जो ये शायद 11th या 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ये पोइम वर्कबुक में कहीं है जो मैंने पढ़ी थी, और सिंपली इसमें क्या पूछा गया था, मीटर पूछा गया था। देखिए तो मीटर सिंपली आप ऐसे कर सकते थे एंड ड्राओ जी, यानी दो यहाँ पर हो गए, एंड टिन क्लेंस दो यहाँ पर हैं, लल द डिस्टेंट फोल्ड। यदि आप इन्हें काउंट कर लेते ना तो ये 10 फीट बन जाते, यानी एक अनस्ट्रेस स्ट्रेस। और इस तरह से हमारा हमने करीब 3 लाइनों में चेक किया था, तीनों में 10 आया था, इस वजह से मैंने इसका एम्बिक पेंटामीटर टिक किया था, तो जो वो सिंपल था और समझ में आ गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ ये तो मुझे भी नहीं आया कि कहाँ से था, क्योंकि मैंने इतना नहीं पढ़ा था। फ्रॉम विच एक्ट एंड सीन द टेम्पेस्ट डेड एल्डर्स हॉजलेट टेक द टाइटल ऑफ डायस्टोपियन नोवल ब्रेव द न्यू वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर अब तो हमें मिल ही गया है, ये थर्ड था, वो था 8-5 सीन 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी स्वीप्स विद मैनी कलर्ड ब्लूम एंड लीव्स द थ्रेड बिहाइंड ऑफ हाउस वाइफ इन द इवनिंग वेस्ट कम बैक एंड डस्ट द पाउंड। इमली डिक्सन की पोएम है, और यहाँ पर क्या पूछा गया था, फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा गया था। तो यहाँ पर जो सी है ये नॉन लिविंग के लिए, ये लिविंग बना के बताया गया है, पर्सनिफिकेशन इसका राइट था आंसर, यस। ये हमारी विलियम बर्ड्सवर्थ की लाइनें थी, टेबल टर्न की हैं। ट्रम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग लेट नेचर बी योर टीचर। यहाँ पर नेचर को उन्होंने टीचर बोला है विलियम बर्ड्सवर्थ ने टेबल टर्न में, तो नेचर को क्या बना दिया यहाँ पर, लिविंग बना दिया, लिविंग की वजह से यह इसका करेक्ट आंसर था हमारा थर्ड, पर्सनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर बनता है सर इट इज टाइम, और उसके बाद आपका टू इन्फिनेटिव एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स इट इज टाइम के बाद फोर लगा के
इधर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, टू को टू इन्फिनेटिव को टू बी यानी पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। इस तरह से था पैसिव बनाना इसका। तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना था, ये हो गया था हमारा इट इज टाइम टू स्टार्ट द मैच। एक और पैसिव था ये हमारा डिड योर मदर कुक योर फेवरेट डिश ऑन योर बर्थडे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था योर फेवरेट डिश, है ना। सेंटेंस था हमारा पास्ट सिंपल टेंस में, तो वाज पहले आना था, डिश अनकाउंटेबल नाउन होता है। वाज योर फेवरेट डिश कुक्ड बाई योर मदर ऑन योर बर्थडे। तो सेकंड था इसका राइट, हालांकि बॉयस काफ़ी सिंपल थे। एंड एक और था बॉयस हु इज मेकिंग ऑल दैट नॉइस। तो जब भी क्वेश्चन यानी एक्टिव बॉयस हु से होता है तो उसका पैसिव हम बाई हुम से बनाते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज लगाया था, इज एम आर था, और बीइंग इसमें ऑब्जेक्ट था ऑल दैट नॉइस जिसे सब्जेक्ट बना दिया गया था, एंड मेक को बना दिया गया था यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल मेड। यस माई फ्रेंड इज लिविंग इन एन अपार्टमेंट इज यस इसमें हमें आर्टिकल फिल करना था। माई चेक कर लेता हूँ, यस माई फ्रेंड इज लिविंग इन डैश अपार्टमेंट इट इज ए न्यू वन। आप किसी से बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड एक नए अपार्टमेंट में रह रहा है और ये नया है। तो यहाँ पर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है फर्स्ट टाइम यूज किया गया है, जो आपके फ्रेंड के लिए यानी आप जिससे बोल रहे हैं उसके लिए वो इंडेफिनेट हो गया, उसे नहीं मालूम कि वो किस तरह के अपार्टमेंट में रहता है, है ना। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल वो सॉरी तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो यही था, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होना था। इंडेफिनिट आपको क्यों यहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आएगा, पहले फर्स्ट टाइम यूज हुआ अपार्टमेंट, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था वो फोर्थ ही था एन। हाँ वी हैड लंच, यहाँ पर हैड का मतलब एट से है, इस बात को याद रखिए, है ना। हैव का अर्थ ईट फूड से होता है, खाने पीने नहाने धोने, काफ़ी फ्रेजेस हैं और हैड का यूज सही तरीके से यूज किया जाता है। और एट द एयरपोर्ट होता है हमेशा, द एयरपोर्ट से पहले हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, और वेट की बात वेट फॉर, है ना, वेट के बाद फोर प्रपोजिशन जो यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर फोर्थ वाला सही था, मेरे में तो फर्स्ट पे ही लिखा हुआ था ये। नेक्स्ट 13 नंबर क्या था यहाँ पर, क्या था, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स दैट फॉर्म्स द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम्स बन जाए ऐसा हमें प्रीफिक्स लगाना है इसमें, और ये कॉरोबोरेटेड था, इसको प्रीफिक्स अन लगा के इसे एंटोनिम्स बना सकते थे, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये है आपकी पोएम, नेम द कलेक्शन ऑफ पोएम विच द फर्स्ट द रोड नॉट टेकन बाय फर्स्ट पब्लिश। तो फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये रोड नॉट टेकन माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में, बता दूंगी आपको, आफ्टर एप्पल पिकिंग पब्लिश हुई थी, है ना। और नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आपका पहले ये लंदन में पब्लिश हुआ था 1914 में, फिर ये आफ्टर एप्पल पिकिंग जो पोइम थी वो 1915 में अमेरिका में भी पब्लिश हुई थी, है ना। तो ये रोड नॉट टेकन जो है ना वो माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी। यस द राइटर वॉज वाइडली एक्नोलेज फॉर द इंक्लूजन ऑफ बोथ पंजाबी एंड हिंदुस्तानी ईडियम इन टू राइटिंग। उस राइटर का नाम बताना है जो पंजाबी और हिंदुस्तानी ईडियम्स में जिसने लिखा है, तो वो थे मुल्क राज आनंद। यस तो इन विच ईयर डेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉन द पुलिटजर प्राइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिटजर प्राइज किस सन में मिला था, तो ये यहाँ पर 1924 में जब ये लॉटरी आए थे लंदन से अमेरिका, है ना, तो उस समय उसके बाद इन्हें पुलिटजर प्राइज अमेरिका में मिला था। ये है ड्रीम चिल्ड्रन, यहाँ पर ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे काफ़ी फेमस ऐसे है आपके चार्ल्स लैम का, और इस ये ऐसे आपको क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का लेसन 4 है उसमें मिल जाएगा। तो हु अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अटेंडेड ग्रैंड मदर फील्ड फनरल। यहाँ पर ये पूछा गया था कि ड्रीम चिल्ड्रन जो ऐसे है इसमें उनके फनरल था दादी माँ का, एक्चुअली वो नानी थी, है ना, मिसेज फील्ड। तो उनका जो फनरल था अंतिम संस्कार था उसमें कौन कौन लोग आए थे,
तो उनमें ये लाइन ही आई थी, आपको बता दूं ये काफी डीप है, लाइन से लिया गया था पूरा। उसमें जो आसपास के गरीब लोग थे और नायवर होड के जो सम जेंट्री लोग थे वो लोग आए थे। आप यदि ये ऐसे लाइन वाइज पढ़ा होगा तो आपको ये लाइन उसमें जरूर मिली होगी। और यहाँ पर जो लेडी सी थी, लेडी सी बता दूं, जिस घर की देखभाल करती थी दादी माँ, उसके जो मालिक थे उसकी वाइफ के लिए रिफर किया गया था लेडी सी। एलिस जो चार्ल्स लेम की बिलव थी वो है एंड इमेजिनरी डॉटर भी है इसमें। एंड बार्टम जो एलिस का हस्बैंड है वो बार्टम है ना, जिससे चार्ल्स लेम की शादी नहीं हो पाई थी, बार्टम। और द रिच एंड पावरफुल ओनर ऑफ द नॉरफोक, हाँ ये वहाँ का एमपी था जो लेडी सी बता रहा हूँ ना, इसका हस्बैंड था ये रिच एंड पावरफुल ओनर ऑफ द नॉरफोक हाउस, जो ग्रेट हाउस था उसकी देखभाल करती थी उसका मालिक। एंड नो वन फ्रॉम द नाइबरहुड अटेंड द फनरल, नहीं दादी माँ बहुत ही, उसमें कई बार ही आया था कि दादी माँ के ग्रैंड मदर बास सो, आपको बोलूँ क्या रहे हैं कि दादी माँ कैसी थी कि बहुत ही अच्छी और धार्मिक थी। और जब वो अच्छी और धार्मिक थी उन्हें पूरी साल्ट्री याद थी और टेस्टामेंट पूरा याद था, एक पार्ट याद था बाइबल का, सेकंड पार्ट टेस्टामेंट होता है। ये पूरा लाइन वाइज फैक्ट था जो कि एग्जाम में पूछा गया था, और यहाँ पर जो ऑप्शन था वो सही था, थर्ड इसका राइट आंसर था। यस अब देखिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोइट इन द लाइनेज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री में पहले पोइट कौन थे ये बताना था। तो देखिए, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू हालांकि सॉरी ये त्वरु दत्त, त्वरु दत्त स्टार्टिंग है, बिगनिंग हुई है यहाँ पर इंडियन इंग्लिश की, लेकिन उससे पहले काफ़ी लोगों ने पूछा, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था जनवरी में उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द फर्स्ट राइटर इन इंडियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में पहला राइटर कौन था, तो वो मोहम्मद दीन थे, ऐसा पूछा जाता। और यहाँ पर देखिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन पोइट्री में पहला पोइट कौन था, ये पूछा गया था। तो त्वरु दत्त तो 22 साल की उम्र जी थी, और इनसे पहले भी काफ़ी लोग थे, सरोजिनी नायडू अभी की हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले भी काफ़ी राइटर थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो यही था, हेनरी लुइस विवेनियन है ना, तो और यही मैं करके आया था अपने में भी। यस यस, हु जस्टिफाई द यूज ऑफ सेटायर सेइंग दोज हु आर अशेम्ड ऑफ मेकिंग एल्स आर ऑफ्सो बीइंग रिडिकुलस, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड बेन जॉनसन। तो देखिए, जब सेटायर की बात हो ना तो सबसे मोस्ट पॉपुलर सेटायर भाई अलेक्जेंडर पोप रहा है, द रेप ऑफ द लॉक। जब भी मोस्टली क्वेश्चन जो सेटायर पर बनते हैं, हालांकि जोनाथन स्विफ्ट का भी है, गुलिवर ट्रेवल से सेटायर है, लेकिन अलेक्जेंडर पोप का बहुत ही फेमस है द रेप ऑफ द लॉक, और उससे शायद ये लाइन ली गई है। मैंने हालांकि पढ़ा नहीं है, उसे रीड नहीं किया है, तो मैं तो अनुमान से ही, क्योंकि काफ़ी ग्रेटेस्ट सेटायर हैं अपने समय के ये अलेक्जेंडर पोप, और ये लगा दिया है आंसर। यस, हु डिड फ्रॉस्ट से द पोइम रोड नॉट टेकन बाय रियली अबाउट, जो रोड नॉट टेकन है वो किसके बारे में थी, एमस एडवर्ड थॉमस, एलेगर एलन पो, एजरा पाउंड, विलियम विटमैन। तो देखिए, यदि आपने डीप नॉलेज किया होगा तो रोड नॉट टेकन उसमें मिला था मुझे कि एडवर्ड थॉमस के लिए उसको मेंशन किया, एडवर्ड थॉमस को उन्होंने अपनी इस पोइम में, तो ये मुझे वहाँ पर मिला था रीडिंग करते समय। यस, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड, काफ़ी सिंपल था, सोनेट कौन लेके आया था तो बता दूं कि दो लोग, थॉमस वाट एंड एडमंड सॉरी अर्ल ऑफ सोरे, ये दोनों लोग इटली गए थे एक बार अपनी ऑफिशियल विजिट में, तो उस वहाँ से लौटने के बाद थॉमस वाट ने ये सोनेट्स लिखना इंग्लिश में स्टार्ट की थी। तो इंग्लिश सोनेट का जो श्रेय जाता है स्टार्टिंग का, वो थॉमस वाट को ही जाता है। यस, हु कमेंटेड दैट व्हेन मिस्टर वर्ड्सवर्थ सीजेस टू प्लीज इट इज बाई अबंडनिंग हिज माइंड टू द मोस्ट कॉमन प्लेस आइडियाज एट द सेम टाइम क्लॉथिंग देम इन लैंग्वेज नॉट सिंपल बट प्योराइल। तो यही क्रिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्रिटिकल थ्योरी से, और यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, हालांकि मैंने काफ़ी क्रिटिकल थ्योरी पढ़ी थी अभी 1 महीने,
तो मैं ये तो नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मेरा शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन लॉर्ड बैरोन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी मैं चेक करूंगा। यस, नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये किस तरह की सोनेट है ये पूछा गया था। तो काफी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पेट्रेटन सोनेट है ना। चलिए, 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ड्राफ्ट भेजा था रोड नॉट टेकन, किसके लिए भेजा था? टू रोड्स, तो किसके लिए भेजा था? तो इससे पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने काफी एडवर्ड थॉमस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और काफी इनके लिए इसमें बताया है एडवर्ड थॉमस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो बार रिपीट हुआ है अपना, द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो नोन है, यानी पर्सोनिफिकेशन का एक और नाम है वो क्या है? तो प्रोसोपोपिया इसका दूसरा नाम है, और ये दो बार रिपीट हुआ था, तो इसमें से एक क्वेश्चन आई थिंक अब चला जाएगा एक क्वेश्चन, और ये शायद सबको ही बोनस अंक मिलेगा इसका। तो नेक्स्ट 27 था, द एंटीक्वेरियन इन रेफरेंस वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर बाई द हिज बाई हिज ऑटोबायोग्राफर हिज बायोग्राफर ई वी लुकास हु इज मैंसन दस। यहाँ पर किसे मैंसन किया गया था? वो चार्ल्स लैम को मैंसन किया गया था। आप ऐसे ही थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ई वी लुकास तो है नहीं है, और ना ही डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ना ही ब्रिल है, ना ही रिचार्ड है, तो हमारे सिलेबस में कौन थे? चार्ल्स लैम भी थी, तो इससे भी हमने थोड़ा सा अनुमान लगाया था और ये करेक्ट हो गया था। ये पोइम थी, और यहाँ पर ये पूछा गया था कि ये क्या है, यानी ये जो पोइम की लाइनें हैं ये किस तरह की लाइनें हैं, तो ये इपित सिमिली थी, इपित सिमिली इसका करेक्ट ऑप्शन था। यस, नेक्स्ट था व्हाट इज द टर्म, उस टर्म को क्या कहते हैं? दैट रिफर्स टू पैराडॉक्सिकल अटरेंस दैट कंजॉइन टू टर्म दैट इन ऑर्डनरी यूजेस आर कॉन्ट्रेरीज, यानी कि दो ऐसे टर्म जो आपस में विरोध करते हैं, तो वो किसमें होता है? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में दो विरोध चीज़ों को साइमल्टेनियसली यानी बिल्कुल साथ साथ लिखा जाता है, वो आपको होता है, और इसमें काफ़ी ये एक और मिल गया देखें, प्लीजिंग पेन, तो ये भी क्या है हमारा? ऑक्सीमोरन का ही एग्जाम्पल है, लविंग हेट, ये ऑक्सीमोरन के ही एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया था, हाँ ये है ना, वाट इज द टाइप ऑफ कंसीट इन द ऑक्सीमोरन फ्रेजेस लाइक प्लीजिंग पेन्स लविंग हेट एलियाबेथन लव पोएट्री, तो ये क्या था एलियाबेथन लव पोएट्री में? पैट्राकन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द डिकंस्ट्रक्शंस डिकंस्ट्रक्शनिस्ट क्लेम दैट ऑल यूजेस ऑफ लैंग्वेज डिसएनिमेट देमसेल्व इनटू द अनरिजॉल्वेबल पैराडॉक्स, तो अफोरिया इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो हमारी सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इसमें क्या समराइज किया गया है? तो इसमें क्या समराइज किया गया था? एलाइनेशन, यानी कि वो अलग रह रहा था बिल्कुल, है ना, और लोग कहाँ लगे हुए थे? मनी मेकिंग में सब लोग। काफी डीप क्वेश्चन था, लाइन से पूछा गया था ये ड्रीम चिल्ड्रन जो चार्ल्स लैम का ऐसे है उससे, तो दादी माँ जो डेथ हुई थी वो किससे हुई थी? वो कैंसर से ही हुई थी। यस, यहाँ पर हमें लिरिक के बारे में ये पूछा गया था, क्वेश्चन था वो, सॉरी ओड के बारे में पूछा गया था, ओड जो होती है हमारी उसमें तीन स्टेप होते हैं, एक होता है स्ट्रॉपी एंट्री स्ट्रॉपी एंड एपोड, तो ये पूछा गया था जब स्ट्रॉपी आता है तो जो मूवमेंट होती है वो किधर होती है, लेफ्ट में या राइट में होती है, और कब मूवमेंट शांत हो जाती है सिंगल रह जाती है, और कब ये आपका देखिए इसका वो खड़े रहते हैं स्टिल में, तो ये देखना था कि ये तो सबको मालूम था कि स्ट्रॉपी एंटी स्ट्रॉपी एंड एपोड तीन जो सिचुएशन होती हैं साउंड में वो है, लेकिन ये देखना था कि पहले क्या होता है, पहले लेफ्ट में जाते हैं टोरस, उसके बाद टोरस कहाँ जाता है? टोरस नहीं, एक तरफ शांत खड़ा रहता है लेफ्ट की तरफ और सिंगलिंग चलती है, फिर राइट की तरफ चलता है जो स्ट्रॉपी बन जाता है, और लास्ट में एपोड आ जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ पर आपको एडवर्ब यूज करना था ही हेट एट द स्वीट से, और ऑप्शन थे ग्रीड में से, यानी ग्रीड हमारा एक एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव में आप सामान्यतः एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हरीडली, जो एक करेक्ट ऑप्शन था ए। नेक्स्ट, माई कलीग्स डैश लंच इन द कैंटीन। तो यहाँ पर क्या था, कलीग्स आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और आपको मैंने पहले ही बताया है कि हैव का अर्थ है आप किससे होता है, ईट से होता है, याद रही। तो माई कलीग्स आर ईटिंग लंच इन द कैंटीन, ये हो गया। क्योंकि देखें तो बिल बी हैव नहीं होगा, बिल बी के बाद होता तो यहाँ वर्ब में आई एन जी होती है ना, इज नहीं हो सकता क्योंकि कलीग्स प्लूरल है, हैज बीन भी नहीं हो रहा क्योंकि कलीग्स प्लूरल है, और ये सेंटेंस बन भी नहीं रहा है, सिचुएशन नहीं है उस तरह की, प्रेजेंट की सिचुएशन है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम चल रहा है वो। यहाँ पर जो लाइनें थी, द रीड वाज टू फ्रेल टू सर्वाइव द स्टॉर्म ऑफ इट्स सॉरो, द व्हीकल रीड एंड सॉरो इंडिकेट, यहाँ पर जो व्हीकल्स रीड एंड सॉरो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इम्प्लीसिट को इंडिकेट कर रहे थे, इम्प्लीसिट को। ओके, बेकन के अनुसार फॉर ए क्राउड इज ए कंपनी इज नॉट ए कंपनी। हाँ, यदि कहीं क्राउड है तो जरूरी नहीं वो आपकी कंपनी, वो आपके साथ ही हो जाए। एंड फेसेस आर बट ए गैलरी ऑफ पिक्चर्स, बिल्कुल लाइन लिखी हुई है ऑफ फ्रेंडशिप की। एंड टॉक बट ए टिंकलिंग सिंबल देयर बाय नो लव, जहाँ पर लव नहीं होता तो आप बेशक कहीं भी खड़े रहिए काफ़ी भीड़ में, फिर भी आप वहाँ कैसे होंगे, अकेले ही होंगे। यस, बेकन के अनुसार जो ऑफ स्टडीज है वो उसमें हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, यानी तो, और ये लाइन ही है कि हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, पहले वे एंड कंसीडर करें कि किस तरह से पढ़ना है, किन किताबों को पढ़ना है, और यही बताया गया था ऑफ स्टडीज में। आफ्टर एप्पल पिकिंग है वो सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, तो मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में 1914 में, 1914 में। काफी डीप क्वेश्चन था, यस, काफी सिंपल क्वेश्चन था 41। यहाँ पर ये पूछा गया था कि ये इसमें कौन सी जो पोएम है वो सोनेट है, तो सोनेट कौन सी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पैटरटन सोनेट थी, राइमिंग स्कीम थी ABBA ABBA CDC DCD। यस, नेक्स्ट ये है, आइए रिचार्ड कॉल्ड दोज एस्पेक्ट प्रॉपर्टीज और कॉमन एसोसिएशन ऑफ ए व्हीकल विच इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट अप्लाई टू ए टेनर डैश ऑफ ए मेटाफर। तो आई थिंक ये शायद मेरा क्वेश्चन रॉन्ग था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ग्राउंड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू हैव इंस्पायर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम किससे इंस्पायर्ड थी, है ना, सॉल्टरी रिवर जो थी वो। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि थॉमस विल्सन टूर ऑफ ब्रिटिश माउंटेन्स, ये इनकी पोइम थी, है ना, टूर ऑफ ब्रिटिश माउंटेन्स, इनसे प्रेरित होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम लिखी थी इस तरह की, और सिमिलरिटीज हैं दोनों पोइम में सिमिलरिटीज हैं। यस, विच ऑफ अल्डस हॉर्जिलेज नोवल टाइटल टेकन फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ पोइम, वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है टेबल टर्न किस से लिया गया, तो आपने पोइम की लाइनों में आया था एक वर्ड द बैरन लीव्स, तो सिंपल था काफी पहचानना, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था दोज बैरन लीव्स। यस, विच पोइट वाज नेम्ड एज द पोइट लॉरेट ऑफ बैरमोंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए, टेबल टर्न जो पोइम थी उसमें दो वर्ड्स आए थे, वो कौन से थे, काफी सिंपल था, लेनेट एंड थ्रोसल था, एंड स्काईलार्क एंड नाइट एंगल आया था आपका ओड टू स्काईलार्क में। विच ऑफ द फोर शेक्सपियर प्लेज दैट हैव ए मॉस्क विद इन द प्ले, कौन से चार ऐसे प्ले हैं शेक्सपियर के जिसमें मॉस्क सीन आए हैं प्ले के अंदर, तो वो थे मिडनाइट से समर ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी एट एंड द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है, कौन से ये क्रिटिक थे जिन्होंने द चार्मिंग आइडल आफ्टर एप्पल पिकिंग डस्टेड ओवर विद समथिंग अनकैनी बोला था,
तो ये बोला था एमी लॉवेल ने। यस, ऐसे कौन से दो फिक्शन हैं ड्रीम चिल्ड्रन जो ऐसे है, उसमें दो फिक्शन के नाम आए हैं जो चार्ल्स लैम ने लिखा है। यदि आपने पढ़ा होगा तो पहले पैरा में ही लास्ट में था कि चिल्ड्रन इन द वुड एंड रॉबिन रेड ब्रीस्ट। क्या होता है कि जो जिस घर में दादी माँ रह रही थी ना, वो एक सांसद का था और उस घर के साथ ही एक दुखद घटना जुड़ी हुई थी जो चिल्ड्रन इन द वुड स्टोरी में हमें पढ़ने के लिए मिलती है। एंड जब बच्चे मर जाते हैं यानी उनके श्रूल अंकल उन बच्चों को मार देता है, तो रॉबिन रेड ब्रीस्ट वहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो उन बच्चों की बॉडी को कवर करते हैं। तो ये दो स्टोरीज हमें चार्ल्स लैम के ये आपके ड्रीम चिल्ड्रन में वहाँ पर हमें रेफरेंस मिल जाता है इन दोनों का। हाँ, विच ग्रेट इवेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ल्ड इज टू मच विद अस में कौन कौन किस इवेंट के बारे में रिफ्लेक्शन किया गया है? तो आपका मनी मेकिंग से रिलेटेड उसमें बातें की गई हैं, थॉमस एडवर्ड के लिए बताई गई है वो सारी बातें हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय इंग्लैंड में, जिस समय लोग पैसे कमाने में लगे हुए थे, तो उस समय ये पोइम लिखी थी बर्ड्सवर्थ ने और तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऐसी कौन सी पोइम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिसमें उन्होंने बोला है माई बेस्ट बेड फॉर रिमेम्बरेंस? तो वो थी स्टॉपिंग बाई द बर्ड्स ऑन स्नोई इवनिंग, और ये जवाहरलाल नेहरू की भी काफ़ी फेमस लाइन है, सोने से पहले वो हमेशा इनको पढ़ते थे। काफ़ी डीपली क्वेश्चन था। चार जो नीरस्ती चौधरी की जो माँ थी उनकी कौन किस क्वालिटी को टॉलरेट नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी, ये पूछा था। मोरल एंड कोवार्सी, बिल्कुल ये से तो मतलब बिल्कुल हेट करती थी। डिसऑनेस्टी भी हेट करती थी। मीननेस, ये तीनों वर्ड उसमें आए हैं टेस्ट में, यदि आपने सेल्फ लाइन बाय इससे पढ़ा होगा तो जो आपको ये जरूर मिल गया होगा। और सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी क्या होता है, वहाँ पर क्या है, दादी माँ के सामने जब भी कोई बहाने बनाता था वो सोचता था थोड़ा सा हम सहानुभूति ले लें सामने वाले से, तो वो दादी माँ को पसंद नहीं था, माँ को पसंद नहीं था, सॉरी चौधरी की माँ को पसंद नहीं था। तो मोरल कॉवर्सी, डिसऑनेस्टी एंड मीननेस, ये तीनों वर्ड आए थे लेकिन सेल्फ पिटी वहाँ पर नहीं था दादी माँ के नेचर में। यस, यहाँ पर सिनोनिम्स बताना था। मॉलीफाई का सिनोनिम्स आपको यहाँ पर था, वो कौन सा था आपका, प्लेकेट। यहाँ पर बताना था एक और सिनोनिम्स अंडरलाइन का, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का था डिफिडेंट। रिलेटिव क्लॉज आया था, ये एडजेक्टिव क्लॉज आया था ये, आई मेट द बॉय हु ब्रॉट द विंडो। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था, रिलेटिव क्लॉज है। और कौन सा रिलेटिव क्लॉज है, डिफाइन ए रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट ये था अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लॉज बताना था यहाँ पर, द टाइम वेन द प्रिनर इज रिलोकेटेड इज नॉट रिवील्डेड। ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पर। यस, नेक्स्ट था ए वर्ड टू द वाइस, वाइस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव स्पेल यदि दा लगा दें तो नाउन का कार्य करता है, यानी बुद्धिमान लोगों के लिए एक शब्द सफिशियंट होता है, याद रखिए, यानी कहीं छोटी सी हिंट उन्हें मिल जाए तो वो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होता है, तो ए यानी एनी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, पहले ए वर्ड टू द वाइस इज सफिशियंट। नेक्स्ट था नोवल का हमें बताना था एंटोनिम्स, नोवल का एंटोनिम्स था इग्नोबल। यस, सेवरल पीसेस ऑफ फर्नीचर वर ब्रोकन। ओके, फर्नीचर वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इसे काउंटेबल होना बनाया जा सकता है पीसेस लगा के, और पीसेस हो गया प्लूरल, सेवरल जो तो प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल एडजुलरी वर्ब का यूज हुआ यहाँ पर, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो सेवरल पीसेस ऑफ फर्नीचर वर ब्रोकन। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर इन द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस में डिटरमाइनर बताना है। तो देखिए, मैनी ऑफ द पीपल होता है, पीपल से पहले मच नहीं आता क्योंकि पीपल काउंटेबल नाउन है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हो रहा, द पीपल यहाँ भी द नहीं लगा हुआ था, तो मोस्ट पीपल इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये आपका टेंस से रिलेटेड था, मैंने टेंस पर काफ़ी अच्छे वीडियोज बनाए थे और उनमें इस तरह की मैंने बातें बताई थी कि आप किस तरह से एरर फाइंडिंग सीखें। हालांकि देखिए
हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हाई स्कूल या एकेडमिक एग्जाम्स की, जो हमें ट्रांसलेशन मेथड से ये पढ़ना हो ताती ते इस तरह से। तो हमें ये इस तरह से स्टडी करनी होगी कि हम किस तरह से यहाँ पर एरर फाइंड आउट करें। तो देखिए, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट बताता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पहले बनना था पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर यूज किया जाता है, आप हमेशा याद रखिए, जब ये पास्ट में तो भाई ये भी पास्ट में बनेगा, और बिफोर यूज किया जाता है परफेक्ट में, तो इस तरह से बनना था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये कर सही था। आई मेट हिम इन दिल्ली 1996 एंड द लास्ट आई हैड सीन हिम वाज 5 ईयर्स बिफोर। यहाँ पर सफिक्स लगाना था, हाँ सफिक्स लगा के सिनोनिम्स बनाना था लिस्ट लिस्ट का, और लिस्ट लिस्ट का क्या हो गया था यहाँ पर रेस्टफुल, सफिक्स लगा के। यस, इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन भी काफी आए थे। आई सैड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। अब कई लोगों ने यहाँ पर क्या मिस्टेक की होगी कि उन्होंने ये रट के रखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हमें सैड टू को सीधा टोल्ड बनाना ही है। इट इज नॉट नेसेसरी, हर जगह जरूरी नहीं है। आप स्टैंडर्ड यदि ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि ये जरूरी नहीं कि आप सैड टू को बार बार उसे टोल्ड बनाए ही। यहाँ पर जो सही था, आई सैड, यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का वो हटा दिया गया था, और काफी सिंपल था, आई सैड दैट आई डिडंट बिलीव हिम, करेक्ट था ये। एक और नरेशन आया था यहाँ पर, ही सैड टू हिम प्लीज राइट हियर टेल आई रिटर्न। तो क्या थी यहाँ पर रिक्वेस्ट थी, सिंपली सब लोगों ने पहचान लिया होगा, और ये करेक्ट ऑप्शन था। एंटोनिम्स बताना था, प्लॉजिबल का एंटोनिम्स बताना था इनक्रेडिबल। ओके, ग्रामर काफ़ी सिंपल आई थी इसमें, है ना, जो ग्रामर थी वो काफ़ी सिंपल आई थी। यस, द डिटेल्स डैश ए मैटर फॉर फ्यूचर कंसीडरेशन। वर्ब का यूज करना था डिटेल्स, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, डिटेल्स आर। सर्टेनली, सर्टेनली, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, परहैप्स, और इनके बाद क्या यूज किया जाता है, विल। याद रखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर है इंग्लिश में कि सर्टेनली, डेफिनेट, सर्टेनली, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, इनके बाद जो सेंटेंस आते हैं वो हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, कैन दिस बी ट्रू, यहाँ पर कैन यूज होना था, करेक्ट है। हाँ कौन सा है ये, बहुत ही फेमस लाइन है भाई, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वी आर टू डिड द डस्ट इन क्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दैट दीज स्टोन्स। ये लाइनें क्या है, उस समय विलियम शेक्सपियर ने अपनी टॉम पर लिखवाई थी, मतलब मरने से पहले वहाँ पर लिखी गई थी, जो उस समय काफ़ी जो डिगिंग चल रही थी, यानी लोग कब्रों को निकाल खोद लेते थे और उनकी हड्डियाँ वगैरह क्या करते थे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने पढ़ा होगा अटेल और टू सिटीज में जेरी क्रंचर भी यही काम करता था, वो उस समय इंग्लैंड में बहुत हो रहा था, तो इसलिए लाइनें लिखी गई थी कि कोई भी ये ना निकाले, है ना, नहीं तो वो भी इसी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये फेमस लाइन विलियम शेक्सपियर की टॉम पर लिखी हुई है। यस, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, कंजेक्शंस यूज करने थे भाई। यहाँ पर क्या था कि सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने नो सूनर लगाया होगा, लेकिन भाई नो सूनर के बाद देन आता है, याद रखिए, है ना, हार्डली हेड के बाद वैन आता है, याद रखिए, हार्डली हेड होता तो वैन आता। स्कियर्सली का यूज किया जाएगा, स्कियर्सली के बाद ये इन्वर्सन हो गया भाई, इसे बोलते हैं इन्वर्सन, और इन्वर्सन में क्या होता है एक्जुलरी वर्ब पहले यूज हो जाती है, नो सूनर के बाद भी इन्वर्सन का यूज किया जाता है, स्कियर्सली के बाद भी किया जाता है यूज। तो यहां पर इस तरह से ये करेक्ट ऑप्शन था, वो था थर्ड नंबर का, स्कियर्सली व्हेन। यस, प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करना था, प्रपोजिशनल फ्रेज सिंपल था, इन द इवेंट ऑफ। ओके, टॉम विल बी लेट फॉर टू वर्क, टॉम काम के लिए लेट हो जाएगा, लेट होने का कारण क्या है, बिकॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन था, बिकॉज यूज होना था इसमें। ये हमारा पैसिव वॉइस बनाना था भाई, है ना, द पंडा इज ईटिंग बंबू सूट्स, तो सिंपल है, बंबू सूट्स आर बीइंग ईटन बाय द पंडा।
ये पोइम थी, यहाँ पर क्लासिफाई करना था कि ये पोइम क्या है, तो ये मोर हीरोइक है ये पे। और ये भी क्वेश्चन इसी से आया था, अभी भाई फिलहाल इसे छोड़ देता हूँ, है ना। और चोमोस्की का एक और आ गया, पहले भी आया था चोमोस्की का पैसेज। तीन क्वेश्चन आए थे, चार क्वेश्चन आए थे ये इस पैसेज से, आल ग्रेट थिंकर से चार क्वेश्चन थे। यस, इनमें से कौन सा लिरिक का एग्जांपल नहीं है, लिरिक कौन सी नहीं, गेटिंग मैरिड लिरिक नहीं है और सारी लिरिक्स हैं। यस, यहां पर देखिए, यहां पर ऑफ फ्रेंडशिप की डीप था बहुत, लाइन वाइज है। यहां पर ऑफ फ्रेंडशिप में जो जोड़ियां थी दोस्तों जी, वो पूछी गई थी। तो देखिए भाई, ऑर्केस्टस एंड अग्रिप्पा था, पोम्पी एंड सुला था, सीजर एंड सेजिनस ब्रूटस था, सिवरस एंड प्लेंटियाना था भाई, ब्रूटस नहीं था। तो ये इसका रॉन्ग था, लाइन वाइज बहुत क्वेश्चन आए थे ये लाइन वाइज इसमें। चलिए देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ये पूछा गया था अ टेल ऑफ टू सिटीज में जो नोबल है वो तीन वोट में डिवाइड किया गया है। तो पहला था गोल्डन थ्रेड, सॉरी पहला था रिकॉल टू लाइफ, सेकेंड है द आपका गोल्डन थ्रेड, और थर्ड था द ट्रैक ऑफ स्टॉर्म। ये तीन ही पार्ट हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज, ऑनेस्ट ट्रेडमेंट नहीं था। नेक्स्ट है, ये पूरा का पूरा लाइन वाइज है, आप इसमें याद रखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आया है ना लाइन वाइज आया। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो विलियम हैजलेट हैं उन्होंने अपने बच्चे को कौन सी सलाह नहीं दी थी, तो सलाह कौन सी नहीं दी थी, बिल्कुल देखें। और ये बता दूं, ये आपका एमपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की 12th का थर्ड लेसन है, एमपी बोर्ड में थर्ड लेसन। हालांकि ये ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, और हमें दिया गया था ये आपका ए फादर्स लेटर, ठीक है ना, ये लिखा ये ऑफ द कंडक्ट ऑफ लाइफ। हाँ, ये पूरा बहुत काफ़ी बड़ा लेटर है विलियम हैजलेट का। तो वहाँ पर लिखा था लर्न नेवर टू कंसीव ए प्रोड्यूस अगेंस्ट अदर बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, कि कभी भी दूसरों के बारे में गलत धारणाएं मत करो क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उन्होंने सलाह दी थी, है ना, नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, कभी भी किसी की ट्रेजर की ये बुराई मत करो जो है तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी, कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना उसकी बुराई, ये भी उन्होंने सलाह दी थी। नेवर एंटिसिपेट ईवेस, ये कहा था कभी बुराइयों में शामिल मत हो, क्योंकि बुराइयों को मत देखो क्योंकि यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग एग्जैक्टली एज यू विश, क्योंकि चीज़ें सारी चीज़ें तुम्हारे अनुसार नहीं हो सकती। उन्होंने सलाह दी थी अपने लड़के को, एंड मेक देम आउट वर्स दे आर, यदि उनमें तुम करोगे तो वो जैसी चीज़ें उससे ज़्यादा और वर्स हो जाएंगी, यानी और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। थॉट मोर इंस्पायर्ड एंड विलफुल, ये कहा था। तो जो चौथा ऑप्शन था ये सलाह नहीं दी थी कि आप लीडर बन जाए, यानी कि आप घर पर जैसा बर्ताव, यहाँ पर क्या था कि आपके साथ घर पर जैसा बर्ताव होता है ये सलाह दी थी, जरूरी नहीं है वैसा बर्ताव तुम्हारे साथ वहाँ घर स्कूल में भी हो, क्योंकि आप जो सन था विलियम हैजलेट का वो नहीं जानता था वहाँ किस तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, किस तरह के का माहौल मिलेगा वो, लेकिन वो चाहता था कि उसके साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाए जैसा घर पर किया जाता था। तो ये यहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि स्कूल में और घर में एक जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ किया जाएगा, तुम वहाँ पर लीडर हो जाओगे, ये सलाह उन्होंने नहीं दी थी। यस, यहाँ पर ये पूछा गया था जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस से कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा था, कैरोलाइन बिंगले इज जीलियस ऑफ लूसिया हर्स्ट अटैचमेंट ऑफ फिट्ज विलियम डार्सी, तो ये तो आया ही नहीं था। कैथरीन किटी बेनेट एलोप्ड विद जॉर्ज विक्रम, ने किटी नहीं भागी थी, लीडिया भागी थी विक्रम के साथ। मिस्टर एडवर्ड गार्डनर इज सो इज द को गार्डियन ऑफ जॉर्जियाना डार्सी, और जो चौथा था वो ये था कि मिस्टर जो कॉलिन थे वो लॉन्गबॉर्न हाउस के इनहेरिट थे, यानी ये उन्हीं को मिलने वाली थी, दूर के रिश्तेदार थे। यस, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉर्ड काफी फेमस सेटायर है, ये पूछा गया था कि यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ये जो लाइन है ये किस तरह की, इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, बर्बल आयरनी है या सिमिली है, तो इसमें बर्बल आयरनी थी।
नेक्स्ट था एक जो एस टी टॉलरिस्टा एक वर्क है बायोग्राफिया लिटरिया, यहाँ पर यह पूछा गया था कि एग्जाम्पल फॉर थॉटलेस पर्सोनिफिकेशन, तो कौन सा था इन आपका थर्ड ऑप्शन रहा इनोकुलेशन हेवनली मेड डिसेंट, आई थिंक ये मेरा रॉन्ग है ना। नेक्स्ट देखें यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तीन यानी मैच है टेल ऑफ टू सीरीज में और नहीं है। अर्नेस्ट डिफार कौन थे, बैंक मैनेजर थे, नहीं भाई ये तो वाइन शॉप चलाते थे। मिस प्रॉस कौन थी, ये लूसी गवर्नेस थी, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर मैनेट कौन थे, फ्रेंच फिजिशियन थे, बिल्कुल सही है, तीन जेलों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। जेरी क्रंचर कौन थे, टेलसन बैंक का एम्प्लॉय था, बिल्कुल सही है। तो जो पहला ऑप्शन था वही रॉन्ग था। नेक्स्ट है 18वीं सेंचुरी में बेटन से का जो ऐसे था ऑफ स्टडीज, इसका जो टाइटल है स्टडी है ना, तो ये यहाँ पर पूछा गया था 1753 में द एडवेंचर जो पब्लिश हुआ था वो उसमें इक्वली कन्वर्सेस इस तरह की बातें बताई गई, तो किसका वर्क था, वो था सैमुअल जॉनसन का। नेक्स्ट था कि कौन से कंटेम्परेरी राइटर थे जिन्होंने स्वामी एंड हिज फ्रेंड का जो वर्क था वो फाइनल टाइटल दिया था, बिल्कुल स्वामी एंड हिज फ्रेंड क्या है ना कि इसका पहले टाइटल वो नहीं था, ये स्वामी एंड हिज फ्रेंड नहीं था, इसका दूसरा टाइटल था, ग्रैहम ग्रीन ने इसका जो टाइटल करवाया था स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट काफी सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी आई थिंक आया था कि आम सेंटमेंट जो प्ले है वो जीवी शॉ का इसका सोर्स क्या है, तो वर्जिल की जो एनीड है उसका सोर्स है वर्जिल एनीड, और बता दूं वर्जिल एनीड का जो प्रेफेस लिखा है वो जॉन डन ने लिखा हुआ है। काफी सिंपल क्वेश्चन था कि अनीता देसाई का जो नोवल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, इसके तीन पार्ट थे, पहला था अराइवल, दूसरा था डिस्कवरी एंड रिकॉग्नाइजेशन, एंड थर्ड था डिपार्चर। नेक्स्ट है हमारा कि जो विच सीजनल साइकिल डज नॉर्थरोप फायर एसोसिएट आयरनी एंड सैटायर विद हिज वर्क द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, आई थिंक मेरा रॉन्ग हो गया, विंटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि टैगोर की जो का जो प्ले है ए पोएटिक मूड एंड द लैक ऑफ फूड, अच्छा कुंज बिहारी वाला है, स्प्लेंडर द सीन, तो इसमें क्या गाता है वो, क्या करता है वो, सॉन्ग गाता है, जो कुंज बिहारी जी है ना वो सॉन्ग गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 था ये है व्हाट आर द टू फंक्शन ऑफ द कल्चरल क्रिटिसिज्म इन रिलेशन टू शेक्सपियर, द टेम्पेस्ट दैट स्टीफन ग्रीन ब्लैट आर्गूड फॉर इज एस ए कल्चर, तो करेक्ट ऑप्शन था इसका वो था थर्ड डिसिफर द पावर ऑफ प्रॉस्पेर एंड हियर द असेंट ऑफ ट्रेलिवन। तो आर्म्स एंड द मैन जो जीवी शॉ का प्ले है ये क्या है, एक रोमांटिक कॉमेडी है, ट्रेडी तो नहीं, रोमांटिक कॉमेडी। दिस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एसे विच अपियर्ड इन 1824 द न्यू मंथली मैगजीन रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द थॉट लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स ऑफ द ऑथर्स टाइम, तो कौन सा है, द स्पिरिट ऑफ एज एंड कंटेम्प्ररी पोर्ट्रेट्स। 98 है यहाँ पर ये बताया गया पूछा गया था कि कौन सा मिथिकल मैथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ फ्रेंडशिप में नहीं आया था, देखिए कैंडियन था बिल्कुल, अपोलोनियस टाइना भी था, ये कौन है भाई, नुमा द रोमन था, ये जो थर्ड ऑप्शन था ये ऑफ फ्रेंडशिप में नहीं था, यदि लाइन वाइज आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली आपको मिल गया होगा, ये गीतांजलि की लाइनें हैं और लाइन ही बिल्कुल पूछी गई है, आपने लाइन यदि लाइन वाइज पढ़ा है वो पोइम गीतांजलि तो जरूर कंप्लीट हुआ होगा कि एज इज पास एंड स्टिल थॉट पोरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, तो एज इज पास एंड रूम इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हुएवर इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज आइदर ए वाइल्ड बीस्ट और ए गॉड, दीज लाइन रिफ्लेक्टेड ऑफ फ्रेंडशिप, तो भाई दोस्तों याद कर लो कि ये जो लाइनें बोली थी ना ये फ्रांसिस बेकन की लाइनें बिल्कुल भी नहीं थी, ये अरिस्टोटल की लाइनें थी है ना, तो काफ़ी आपने देखा काफ़ी डीप पूछा जाता है, लाइन वाइज फैक्ट बहुत पूछे गए थे,
हालांकि पेपर सही था, मतलब यदि आपने स्टडी की होगी, और स्टडी ऐसी नहीं हो सकती भाई आप 1-2 महीने में इतना सारा डिटेल से पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। काफ़ी लॉन्ग प्रैक्टिस इसके लिए होनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक कि जो लोग एमपी बोर्ड की क्लासेस को लेते हैं, अटेंड करते हैं, यानी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक मुझे लगा हुआ है कि ये सिंपल रहा होगा, मतलब वो आसानी से क्वालिफाई तो हो ही गए होंगे। चलिए फिर भी बता देना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना नीचे, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कोई क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस पर जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।